आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे सक्सेस कैसे हासिल किया जाए। मैं आपको 3 टिप्स दूंगा जो मैं अपने लास्ट 1 ईयर के इंडस्ट्रियल करियर में गेन किया, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में मैं आपको बताऊँगा सक्सेस का आखिर क्या डेफिनेशन निकलता है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो गाइस, जिस तरह से हर एक इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट के बारे में जानना जरूरी है, उसी तरह इंजीनियरिंग सेक्टर पे जितने भी काम में आने वाले वीडियोस हैं वो मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और आई होप गाइस कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा सक्सेस का क्या डेफिनेशन निकलता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब हो गया मुझे एक साथ करोड़ों रुपया मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे बाइक मिल जाए, मुझे सक्सेस मिल जाएगा लाइफ में। लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर एक छोटा सा बच्चा है और कल वो अगर ए फॉर एप्पल बोलना सीख रहा है और आज वो अगर बी फॉर बॉल बोलना सीख रहा है ना, तो सोचिए कि वो सक्सेस है, क्योंकि कल वो जो सीखा था उससे आज वो एक कदम आगे है। उसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिकल के फील्ड में अगर आप आज MCB के बारे में सीखो और कल अगर आप MCC के बारे में भी जानना चाहते हो या फिर आप जान चुके हो, तो आप सक्सेस हो। सक्सेस का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि आपका ग्रोथ डे बाय डे होना चाहिए। आपका ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज अगर आप डे बाय डे गेन करते चलोगे तो आपका वो जो है ज़िंदगी भर साथ देगा, जिसके बदौलत आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो गाइस, सक्सेस का मीनिंग ये होता है कि कल आपने जो सीखा था उस चीज़ से अगर आप एक कदम आगे बढ़ के आज सीखे हो, तो आप सक्सेस कर रहे हो अपने लाइफ में। और ये सक्सेस आपको इतना जल्दी नहीं मिल जाएगा, टाइम लगेगा। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो वो जो है बिल्कुल आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसे टिप्स जो मैं अपने इंडस्ट्रियल करियर में लास्ट 1 ईयर से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला टिप्स है इन्जॉय योर डे। अगर आप एक इंजीनियरिंग सेक्टर पर आ गए हो तो आपको हर एक दिन को ना इन्जॉय करना सबसे पहले आना चाहिए। बहुत से बंदे क्या होते हैं कि अगर उसे जॉब में जाना होता है ना, तो वो पहले 1 घंटा पहले से ये सोचने लगते हैं, अरे यार जॉब में जाऊंगा आज क्या काम रहेगा, साइट पे जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अगर आपका मेंटेलिटी इस तरह से बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी आपके ग्रोथ को कहीं ना कहीं डाउन कर रहा है। इसलिए गाइस, आपके मन में एक जो है ना उत्साह होना चाहिए कि नहीं, अगर मैं अभी जॉब पे जाऊंगा तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने लाइफ को इन्जॉय करिए। मैंने ये भी सुना है कि लोग जा रहे हैं रोड पे, बोल रहे हैं कितना धूप है। अरे यार, वो धूप है वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं ना है, जो तुम्हारे हाथ में है उसे हैंडल करो। बहुत से लोगों से मैं ये भी सुना हूँ कि अरे यार मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट ये नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट वो नहीं कर रहा है। लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस तरह से मैनेजमेंट के ऊपर जब दोष देना स्टार्ट कर दोगे, तो आप जो है अपने खुद का जो एबिलिटी है ना, उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं डाउन करते जाओगे। तो मेरा बोलने का मतलब बस इतना है कि अगर आप अपने घर से निकल रहे हो तो आपके मन में एक खुशी होना चाहिए। मैं अभी निकल रहा हूँ, प्लांट में जाऊँगा तो मैं इस चीज़ के बारे में आज नॉलेज गेन करूँगा, इसके ऊपर काम करूँगा। और जब आप इस तरह से लाइफ को अपना इन्जॉय करते हुए चलेंगे तो आपका ग्रोथ इस तरह से रहने वाला है। आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे। ये जो दूसरा टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखता है इंडस्ट्रियल लाइफ के लिए खास करके। और वो टिप्स है एक्सेप्ट योर मिस्टेक। यानी कि इंडस्ट्रियल लाइफ में आपसे बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होंगे, तो आपको जो है ना उस मिस्टेक्स को छुपाना नहीं है, आपको खुलेआम उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने ये काम किया था, मुझसे ये गलती हुआ। जिस दिन से आप ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे अपने मिस्टेक्स को, आपका भी ग्रोथ बहुत आगे जाएगा। ऐसे बंदे देखे हैं जो मतलब अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और गलती को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण आज वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ को डिक्रीज खुद कर रहा है। तो गाइस, सारा चीज़ जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ेंगे आपको खुद का प्लान करना पड़ेगा। और आप जितने भी लाइफ में मिस्टेक करोगे, आप अगर उतने ही मिस्टेक्स को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उतने ही आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दूसरा मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। अब जो तीसरा है, तीसरा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब जो तीसरा टिप्स है वो है मूव ऑन।
सपोज मान लीजिए आज आपने किसी एक पैनल के मैनुअल के बारे में पढ़ा, आप उसे पूरा समझ लिए, लेकिन कल आपको जो है रुकना नहीं है, कल आपको उससे एक कदम और आगे बढ़ना है और मूव ऑन करके दूसरे उससे क्रिटिकल जो मैनुअल से उसे पढ़ना स्टार्ट करना है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे यार मेरे प्लांट में तो बस इतना ही काम है, छोड़ो ना यार, चलेगा, ऐसा होगा वैसे होगा, लेकिन गाइस वो भी आपके ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रहा है। ग्रोथ का जो एक्सेलरेशन पकड़े थे उस जगह में कहीं ना कहीं डी एक्सेलरेशन हो रहा है। इसलिए गाइस मूव ऑन करना ना बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन का मतलब बस इतना है कि आज मैंने जो सीखा कल मैं उसके नेक्स्ट लेवल को सीखूंगा, परसों में जो है उसके और एक कदम आगे जाऊंगा। इस तरह से जब आप मेरे ये तीनों टिप्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो गाइस आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मेरे पीछे बंदे लगे हुए हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं रखता है। अगर आप अपने लाइफ में सही हो, सही डायरेक्शन से काम कर रहे हो तो गाइस आप बहुत आगे जाओगे। तो अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ है उसकी अपडेट आपके तक तुरंत पहुँच जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।